ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता निर्माता थे। ऋषि कपूर अपने ज़माने के चॉकलेटी हीरो के रूप में जाने जाते थे। ऋषि कपूर एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जिसने बॉलीवुड में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी कैरियर में सैकड़ों फिल्में की हैं। इस दौरान उन्होंने कई अवार्ड भी अपने नाम किए। साल 2008 में ऋषि कपूर को फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चैम्बूर में हुआ। ऋषि कपूर के दो भाई हैं रणधीर कपूर और राजीव कपूर और दोनों ही बॉलीवुड अभिनेताएं हैं। ऋषि कपूर की शादी बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू कपूर से हुई है। बता दें ऋषि कपूर और नीतू ने शादी से पहले एक दूसरे को 5 साल डेट किया, उसके बाद वे शादी के बंधन में बंध गए। ऋषि कपूर के दो बच्चे भी हैं रणवीर कपूर और रिधिमा कपूर। फिल्मी परिवार से होने के कारण ऋषि कपूर हमेशा से ही फिल्मों में अभिनय करने की रुचि रखते थे। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में 1970 में अपने पिता की फिल्म मेरा नाम जोकर से डेब्यू किया था। इस फिल्म में ऋषि ने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया था। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में बतौर एक्टर 1973 में फिल्म बॉबी से किया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट डिम्पल कपाड़िया थी। कर्ज से बाहर आने के लिए राज कपूर ने बनाई थी बॉबी फिल्म। ऋषि कपूर को 2018 में कैंसर हुआ था। कैंसर का पता लगने के बाद वह अमेरिका चले गए। वहां 11 महीने तक इलाज कराया गया। अमेरिका में पूरे वक्त पत्नी नीतू भी उनके साथ थी। ऋषि कपूर के निधन के बाद परिवार में मैसेज जारी किया जिसके मुताबिक हमारे प्रिय ऋषि कपूर 2 साल तक ल्यूकेमिया कैंसर से लड़ाई लड़ते रहे। 2 साल की लड़ाई के बाद आज सुबह 8:45 बजे अस्पताल में आखिरी सांस ली।